गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, थॉट ऑफ द डे, अगर हम वृक्ष लगाएंगे वे हमारे काम आएंगे। अगर हम वृक्ष लगाएंगे वे हमारे काम आएंगे। किस प्रकार वे हमारे काम आएंगे आज हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, दिस इज योर रिवीजन क्लास। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजेस ऑफ प्लांट्स, पौधों की उपयोगिता। व्हाट इज प्लांट, पौधे क्या होते हैं? तो प्लांट्स आर एवरीथिंग फॉर लिविंग लाइफ। पौधे जो होते हैं वो सजीव की, समझ लीजिए, सब कुछ होते हैं। वी कांट लिव प्लांट, हम लोग प्लांट के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, रह ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ प्लांट से मिलता है, चाहे खाने की हो, पहनने की हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ हम लोगों को प्लांट से मिलता है। प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर फॉर ब्रीथ, प्लांट्स जो है हमें फ्रेश एयर देती है सांस लेने के लिए। तो देखिए चैप्टर में हम लोग आज देख स्टडी करेंगे क्या क्या चीज़ें। प्लांट्स प्रोडक्ट्स, प्लांट्स प्रोडक्ट्स मीन्स पौधों के से जो भी चीज़ें बनती हैं, अब क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो देखते हैं। प्लांट्स प्रोडक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द फूड वी ईट, प्लांट्स गिव अस मैनी अदर यूज़फुल थिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं वो हमें भोजन तो देते हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ हमें प्लांट से मिलता है। आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे, मीन्स रिविजन करेंगे। सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाजें और दालें। सीरियल्स मीन्स अनाज, पल्सेस पल्स मीन्स दाल। वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। सीरियल्स आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स। सम ऑफ द मेन सीरियल्स आर राइस, वीट, कॉर्न, ज्वार एंड बाजरा। मतलब अनाज और दालें, ये सब ये पौधों के कुछ सीड से, कुछ बीज से प्राप्त होता है, और इसे इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स बोलते हैं, अनाज बोलते हैं। राइस, राइस बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं, फ्राइड राइस, डोसा, राइस फ्लक्स। अब गेहूँ मीन्स वीट, नूडल्स, चपाती, बिस्किट्स, ब्रेड, बोथ आर सीरियल्स, ये क्या है, अनाज है। चना दाल एंड उड़द दाल आर सम एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस। चना दाल, उड़द दाल, बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस, दाल के एग्जाम्पल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ऑयल एंड स्पाइसेस दे गेट फ्रॉम प्लांट्स, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से मिलता है। मैंगो, ग्वावा, ऑरेंज, पपाया, एप्पल, वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी आर सम ऑफ द फ्रूट्स डैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं। ड्रमस्टिक्स, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स, स्पाइस, कैप्सिकम एंड कैबेज आर सम ऑफ द वेजिटेबल डैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। वेजिटेबल्स भी कहाँ से हम लोगों को मिलती है, प्लांट्स से मिलती है। सैलड्स आर मेड फ्रॉम द रॉ वेजिटेबल्स सच एज कुकुम्बर, टोमेटो एंड अनियन। सलाद हम लोग जो खाते हैं सलाद के रूप में, कुकुम्बर मीन्स खीरा, पोटैटो, टमाटर और प्याज, ये सब हम लोग सलाद के रूप में लेते हैं। रॉ वेजिटेबल मीन्स कच्ची सब्जियाँ। ईट सैलड्स एवरी डे, हम लोगों को सलाद डेली खाना चाहिए, दे आर गुड फॉर हेल्थ, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वी गेट नट्स फ्रॉम प्लांट्स, वॉलनट्स, कैशू नट्स एंड आलमंड्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ नट्स। कुछ नट्स के एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग ड्राई फ्रूट्स कहते हैं या सूखा फल। वॉलनट मीन्स अखरोट, कैशू नट्स काजू, आलमंड बादाम, ये क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स जिसको हम लोग कहते हैं, सूखे फल। इसको खाने से हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रांग बनता है। ऑयल इज ऑब्टेंड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। द सीड्स आर क्रस्ट
टू टेक द ऑयल आउट. कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर सम ऑफ कॉमनली यूज्ड ऑयल्स. जो ऑयल कुछ ऐसे होते हैं बीज पौधों के जिससे हम लोगों को ऑयल प्राप्त होता है, जैसे कि उसको क्रश करके उसको कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, जिसमें घर पे वेजिटेबल वगैरह या पराठे वगैरह बनाए जाते हैं. सरसों का तेल, वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स, वी यूज स्पाइसेस टू ऐड टेस्ट टू द फूड. कुछ जो प्लांट्स से हमें स्पाइसेस मिलता है, मसाले मिलता है, और मसालों का क्या वर्क रहता है, टेस्ट टू फूड. फूड का जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए जो है ये मसालों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार्डमम मीन्स इलायची, पेपर इसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, काली मिर्च, क्लोव, लौंग, ये दीज आर स्पाइसेस. और इसका यूज़ क्या होता है, फूड का टेस्ट बढ़ाने के लिए. बिना स्पाइसेस का, बिना मसाले के कोई वेजिटेबल या कोई भी टेस्टी फूड बन ही नहीं सकता है, इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है हमारी हेल्थ के लिए भी और टेस्ट के लिए भी. टी, कॉफ़ी, कोको एंड शुगर, दीज गेट फ्रॉम प्लांट्स. ये भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है. वी गेट टी फ्रॉम टी लीव्स. टी कहाँ से, चाय हम लोग पीते हैं उसे बोलते हैं टी. टी कहाँ से मिलता है, किससे मिलता है, टी लीव्स से, चाय की पत्ती से. कॉफ़ी फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स से. कोको फ्रॉम कोको बीन्स से. कोको प्लांट ये है, कोको प्लांट से कोको बीन्स निकला, उससे क्या बनाई जाती है, चॉकलेट. चॉकलेट आर मेड फ्रॉम कोको बीन्स. ये चॉकलेट किससे बनती है, कोको बीन्स से बनती है. वी गेट जैगरी एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन. जैगरी मीन्स गुड़, शुगर मीन्स चीनी, और ये दोनों हमें कहाँ से मिलता है, शुगर केन से, गन्ने से हमें ये मिलता है, जैगरी गुड़ एंड शुगर केन. वुड फाइबर्स, पेपर, गम एंड रबर, दीज ऑल्सो गेट फ्रॉम प्लांट्स. ये भी हमें प्लांट से ही मिलता है. वी गेट वुड फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ मैंगो, पाइन्स, साल एंड ऑक ट्रीज. कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो मजबूत होते हैं, जैसे उनके तने, जैसे मैंगो, पाइन मीन्स सीड, साल एंड ऑक ट्रीज, इन सब के तनों से लकड़ी बनाई जाती है. वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर सच एज टेबल एंड चेयर. इन सब की लकड़ियाँ जो होती हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक. ट्रंक ये बहुत स्ट्रांग होती है, इससे फर्नीचर्स बनाए जाते हैं. फर्नीचर्स मीन्स बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा एसेट्रा, बहुत सी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं. वी गेट फाइबर्स सच एज कॉटन, हैम्प एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स. हैम्प मीन्स गांजा होता है. कॉटन जो रुई, जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स प्लांट, रेसेदार पौधे, जैसे कि उससे क्या मिलता है, कॉटन, जूट. हैम्प मीन्स क्या होता है, गांजा. इन सब से क्या बनाया जाता है, ये सब भी प्लांट से प्राप्त मिलता है. और फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक मटेरियल्स डैट आर यूज टू मेक क्लॉथ्स, बैग्स, रोप्स एसेट्रा. कॉटन से ड्रेसेस बनाई जाती हैं. देखिए कॉटन प्लांट, कॉटन ड्रेस. हैम्प प्लांट से, गांजे के पेड़ से रोप, रस्सी बनाई जाती है. एंड जूट प्लांट से जूट बैग बनाए जाते हैं. वुड ऑफ सम प्लांट्स सच एज बैम्बू एंड पाइन इज यूज टू मेक पेपर. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बुक आपकी हो गई, कॉपी, नोटबुक, ये सब किसे, ये सब भी प्लांट से ही मिलता है. प्लांट से ही, प्लांट के ही प्रोडक्ट से बनता है. जैसे कि बैम्बू, बैम्बू मीन्स बांस का पेड़, इससे क्या बनाया जाता है, नोटबुक. ये जो आपकी बुक है, ये किससे बना होता है, बैम्बू से, बैम्बू प्लांट से. बैम्बू मीन्स बांस का पेड़. वी गेट अ स्टिकली जूस फ्रॉम अ ट्री कॉल्ड अकेशिया विच इज़ यूज टू मेक गम. अकेशिया ट्री मीन्स क्या होता है, बबूल का पेड़. तो इससे क्या बनाया जाता है, गम, जो आप लोग फेविकोल का यूज़ करते हैं, गम जो कॉपी पे पेस्ट करने के लिए, वो
अकेसिया प्लांट्स ट्री से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या निकलता है, जूस निकलता है, इसके जूस से ये बनाया जाता है। रबर इज़ ऑब्टेंड फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री, जो रबड़ हो, इट इज़ यूज टू मेक ट्राइब्स ग्लव्स इरेजर्स एक्सेट्रा। ये रबर ट्री होता है, इसमें से रबर निकलता है, रबर ट्री से इससे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, ये टायर, ग्लव्स, इरेजर, ये सब रबर ट्री से बनता है। मेडिसिंस, सम प्लांट्स सच एज तुलसी, मिंट, एलोवेरा, गार्लिक, नीम एंड टर्मरिक आर यूज टू मेक मेडिसिंस। दवाइयाँ बनाने के लिए भी प्लांट्स का ही यूज़ होता है, जैसे कि तुलसी, मिंट मीन्स पुदीना, एलोवेरा, घृतकुमारी इसको बोलते हैं हिंदी में, गार्लिक, लहसुन, ये सब का यूज़ मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने के काम आता है। द लीव्स ऑफ द नीम ट्री आर यूज टू क्यूर मैनी स्किन डिजीज, जो नीम का पेड़ होता है, जो उसकी पत्तियाँ होती हैं, वो स्किन डिजीज मीन्स त्वचा रोग के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं, उसका यूज़ ज़्यादातर चर्म रोग के लिए किया जाता है। कलर्स, सोप्स एंड परफ्यूम्स, ये सब भी प्लांट से ही किसी ना किसी रूप में मिलता है, जैसे कि वी गेट कलर्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स, दीज कलर्स आर यूज फॉर पेंटिंग्स एंड ड्राइंग, सम फ्लावर्स सच एज जैस्मिन एंड रोजेस आर यूज टू मेक सोप्स, शैम्पू एंड परफ्यूम्स। जो कुछ फ्लावर और उसकी पत्तियाँ होती हैं, उसको कलर करने के लिए, कलर बनाने का यूज़ करते हैं, पेंटिंग बनाने के लिए, और जैस्मिन, रोज, ये सब का सोप और शैम्पू बनाने के लिए, मतलब साबुन और शैम्पू बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स क्या क्या आप लोगों ने पढ़े हैं मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, कोको, मेडिसिंस, फाइबर्स, रबर, गम, परफ्यूम्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, नट्स, ऑयल, पेपर। कीवर्ड्स, सीरियल्स, फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, ज्वार, राइस एंड बाजरा आर कॉल्ड सीरियल्स। अनाज क्या होता है, ज्वार, बाजरा, व्हीट, ये सब अनाज हैं। पल्सेस, दाल, द सीड्स ऑफ प्लांट डैट कैन बी ईटन, प्लांट का जो बीज के रूप में हम लोग जो खाते हैं उसे पल्सेस बोलते हैं, दाल बोलते हैं। स्पाइसेस मीन्स मसाले, सम ऑफ प्लांट प्रोडक्ट सच एज क्लोव्स, कार्डमम एंड पेपर डैट आर यूज टू टेस्ट एड टेस्ट टू फूड, फूड का जो भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए मसालों का यूज़ किया जाता है। और फाइबर्स मीन्स रेसेदार जो होता है, वेरी थिन थ्रेड लाइक मटेरियल यूज टू, जो कपड़े, बैग और रस्सियाँ बनाने का काम कौन करता है, किससे बनाया जाता है, फाइबर्स से। समरी ऑफ दिस चैप्टर, प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, अभी आप लोगों ने देखा ना कि कितने तरीके से हम लोग प्लांट्स का यूज़ हम लोग करते हैं, मीन्स सब कुछ प्लांट्स से ही, जैसे कि अभी थॉट में क्या बोला था, अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो हमारे काम आएंगे, अगर पेड़ ही नहीं लगाएंगे हम लोग तो आप ही बताइए, इतने सारे चीज़ें, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, स्पाइसेस, ये सब हमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। वी गेट टी, कॉफ़ी, कोको एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स, अब बताइए चाय, कॉफ़ी, कोको, शुगर, जो आप लोग चॉकलेट खाते हैं, शुगर से शुगर मीन्स चीनी, जैगरी, ये सब कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, पेपर है, जो बुक है, ये सब प्लांट से ही मिलता है। मेडिसिंस प्लांट से मिलती हैं, प्लांट्स प्रोवाइडर्स मेडिसिंस, प्लांट्स गिव अस कलर्स, परफ्यूम, शैम्पू एंड सोप्स। कहने का मतलब है जो भी चीज़ें आपको मिलती है कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से मिलती है। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन लाइफ्स या एनिमल लाइफ्स, किस चाहे वो जानवर हो या हम इंसान हो, सबके लिए, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सबके लिए प्लांट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, डैश इज़ अ वेजिटेबल वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, मैंगो, कोकोनट, कैबेज, क्लोव्स, वेजिटेबल
कैबेज, कैबेज इज अ वेजिटेबल वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, इज नॉट द सीड ऑफ अ प्लांट, स्पेनिश इज नॉट सीड अ प्लांट, पालक जो होता है पालक में तो कोई सीड होता नहीं है क्योंकि वो लीव्स होता है, इज प्रिपेयर्ड यूजिंग वीट, वीट से गेहूँ से क्या बनाया जाता है, राइस फ्लॉक्स पोहा नो रोटी, रोटी इज प्रिपेयर्ड यूजिंग वीट, रोटी किससे बनाई जाती है, किससे तैयार की जाती है, वीट से गेहूँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑयल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ऑयल, इसमें से ऑयल कौन सा प्रोडक्ट नहीं देता है, कोकोनट, मस्टर्ड, कैरेट, सनफ्लावर, कैरेट से ऑयल तेल नहीं बनाया जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गिव अस गम, अकेशिया ट्री से क्या बनाया जाता है, गम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स, वी गेट जैगरी फ्रॉम सुगर केन प्लांट, जैगरी गुड़ हमें गन्ने के पेड़ से प्राप्त होता है। फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, फाइबर से कपड़े बनाए जाते हैं। वी गेट रबर फ्रॉम द जूस ऑफ द रबर ट्री, रबर किससे मिलता है, रबर ट्री से, उसके जूस से बनाया जाता है। वी मेक मेडिसिंस फ्रॉम मिंट, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, तो मेडिसिन उससे बनाई नहीं जाती है, मिंट से, मिंट मीन्स पुदीना। वी गेट परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर्स सच एज रोज एंड जैस्मिन, परफ्यूम किससे बनाया जाता है, रोज़ और जैस्मिन के प्लांट से। मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, एलोवेरा मेडिसिन, वॉलनट मीन्स अखरोट, नट, मस्टर्ड सरसों ऑयल सरसों का तेल, वाटरमेलन फ्रूट, वाटरमेलन मीन्स तरबूज, क्लो स्पाइस, क्लो मीन्स लौंग, ये क्या है, मसाला। राइट टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्पाइसेस डैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कार्डमम, पेपर, मसाले किस के नाम यहाँ पे बताने हैं आपको, टू एग्जाम्पल उसका देना है, कार्डमम मीन्स इलायची, पेपर मीन्स काली मिर्च, प्लांट्स डैट हैव मेडिकल वैल्यू, तुलसी, नीम, अब जो मेडिकल वैल्यू में जो जिससे मेडिसिन तैयार की जाती है उसकी एग्जाम्पल तुलसी, नीम। फूड आइटम डैट आर मेड ऑफ राइस, चावल से बनने वाले प्रोडक्ट, डोसा, फ्राइड राइस। ट्रीज डैट गिव अस वुड, पेड़ की कौन सी लकड़ी देते किससे मिलता है, नीम एंड मैंगो। प्लांट डैट आर यूज टू मेक पेपर, बैम्बू, पाइन, चीड़ के पेड़ से और बांस के पेड़ से क्या बनाया जाता है, पेपर। आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन वन वर्ड, द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच वी गेट सीरियल्स एंड पल्सेस, सीरियल्स और पल्सेस क्या होता है, सीड्स। द थिन थ्रेड लाइक मटेरियल्स यूज टू मेक क्लॉथ्स, फाइबर्स। द ट्री डैट गिव्स अ स्टिकली जूस यूज टू मेक गम, अकेशिया, गम किससे मिलता है, अकेशिया प्लांट्स ट्री से। अ फ्लावर यूज टू मेक परफ्यूम, एक फ्लावर फूल का नाम बताना जिससे परफ्यूम बनाया जाता है, इत्र, रोज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, व्हाट आर फूड गेन्स, भोजन के अनाज क्या होते हैं, फूड गेन्स आर सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज क्या होता है, पल्सेस और अनाज। अगर पूछे कोई खाद्यान्न क्या है तो वो सीरियल्स और पल्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड गेन्स बोलते हैं, खाद्यान्न बोलते हैं। नेम एनी टू वेजिटेबल्स एंड टू नट्स डैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, दो वेजिटेबल के नाम और दो नट्स के नाम बताने हैं जिस जो हमें प्लांट्स से प्राप्त होता है, मिलता है, टोमेटो, पोटैटो एंड वॉलनट
almonds we get from plants. How do we obtain oil from plants? प्लांट से ऑयल कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, सॉरी ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, पौधों के कुछ पौधों के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है. व्हाट आर स्पाइसेस यूज्ड फॉर, मसालों का यूज़ किस लिए होता है, कहाँ होता है? तो वी यूज़ स्पाइसेस टू ऐड टेस्ट टू द फूड, भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए मसालों का प्रयोग किया जाता है. वी यूज़ स्पाइसेस टू ऐड टेस्ट टू द फूड. नेम टू फॉर फ्लावर्स यूज टू मेक सोप्स एंड परफ्यूम्स, दो ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं जिससे साबुन और इत्र परफ्यूम बनाया जाता है. रोज एंड जैस्मिन आर यूज टू मेक सोप्स एंड परफ्यूम्स, जैस्मिन एंड रोज. ओके, वर्ड मीनिंग चैप्टर टू, यूजेस ऑफ प्लांट्स, वर्ड एसेंट मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग. सीरियल्स मीन्स ग्रेन होता है, अनाजों जो अनाज होता है, दाल चावल. पल्सेस मीन्स दालें या दालों जो भी, वीट गेहूँ. स्पाइसेस हर्ब मसाले. ड्रमस्टिक्स मोरिंगा मीन्स सहजन. बैम्बू बांस. डाइंग कलरिंग रंगना या रंग बनाना. ग्रेन्स सीरियल अनाज या खाद्यान्न. पाइन सीडर या देवदार चीड़ का पेड़ इसको बोलते हैं. फाइबर्स फिलामेंट मोटा चारा या रेशा. जैगरी गुड़. अकेश बबूल. ये आपकी वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट. टुमारो विल बी टेस्ट दिस चैप्टर, इस चैप्टर का कल टेस्ट होगा और चैप्टर सेकंड है. फर्स्ट के क्वेश्चन भी मैं दूंगी, तो इसलिए पहले फर्स्ट चैप्टर का तो टेस्ट हो चुका है, तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग. दोनों चैप्टर का टेस्ट होगा. ये चैप्टर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो बताइएगा मुझे. थैंक यू.